मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, ठीक है, मैं नहीं समझता। मेरा ये मानना है, अपनी जाति राय है, कि जो होना था वो तो हो चुका है, ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। बाकी देखिए, ठीक है, मत पेटियाँ जब खुलेंगी तो पता चल जाएगा कि ये जो तर्कश से जितनी भी तीरें निकली हैं किसको फ़ायदा पहुँचा है, किसको नुकसान किया, ये पता चल जाएगा। ये गरीब लोगों को उकसाते हैं, गरीब लोगों को कहते हैं अपने बेटे को पढ़ाते हैं, जैसे अमित शाह की बेटी है, वो यहाँ क्यों नहीं आता, अपने बाप के साथ क्यों नहीं लगता, आरएस में क्यों नहीं जाता, धरना क्यों नहीं देता, अपने बाप की यहाँ के समझाता क्यों नहीं कि भाई तुम हमारे देश की वासी हो, तुम वैसे मत करो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, कहाँ है विकास, कहाँ है विश्वास, कहाँ है साथ, कहाँ है। नमस्कार, मैं गजेंद्र जाटव, अभी हम मौजूद हैं शाहीन बाग में। 50 दिन से ज़्यादा हो गए हैं शाहीन बाग में महिलाएं लगातार आंदोलन कर रही हैं सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसी पहल नहीं हुई है, ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं आया है जो इन महिलाओं से आकर कोई बात करे। हमारे साथ सर हैं, सर कैसे देखते हो इस आंदोलन को, किस करवट बैठे गए आंदोलन 50 दिन से ज़्यादा हो गए? जैसा कि आपने कहा कि ये आंदोलन 50 दिन से ज़्यादा हो गया और कोई भी प्रतिनिधित्व इनसे आकर मिला नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी कोई प्रतिनिधित्व इनके पास नहीं आएगा, तो आगे देखते हैं। अभी ये मसला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको इलेक्शन के बाद देखते हैं, यानी मंडे को सुप्रीम कोर्ट देखेगी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन लेगी कि इसको हाईकोर्ट को रेफर कर दें, चूँकि दिल्ली का मसला है तो दिल्ली का मसला हाईकोर्ट देखती है, तो हाईकोर्ट रेफर कर दें या सुप्रीम कोर्ट खुद इसमें फैसला लेती है। लेकिन सर, कई बुद्धिजीवियों का मानना है कि जुडिशरी सिस्टम से कोई, हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा आश्वासन मिलेगा या हमारी तरफ कोई ऐसा फैसला आएगा। हाँ, ये थोड़ा सा जुडिशरी की तरफ से लोगों में ये थोड़ी बेचैनी है कि जिस तरह से पहले छोटी से छोटी बात, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ा शहर है और इस शहर में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है और इतने बड़े आंदोलन का कोई संज्ञान नहीं ले रहा, इससे थोड़ी बेचैनी है लोगों में। जैसे सुओ मोटो होता था कि भाई अगर कोई घटना घट गई तो उसमें सुओ मोटो ले लिया कोर्ट ने, तो इस तरह की नहीं देखा गया। कोर्ट ने कहा कि पहले आंदोलन रोको तभी हम बात करेंगे, प्रदर्शन कम। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये अपना विवेक है कि किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो देखते हैं। सर, कल पीएम मोदी का संसद में भाषण हुआ, उन्होंने भी कुछ ज्यादा इस पे खास तौर पे तवज्जो नहीं दी इस आंदोलन को, कहा कि कांग्रेस भी लाई थी पहले, उन्होंने 2010 में किया था एनपीआर, और एनआरसी पे तो कोई बात ही, कोई चर्चा हो ही नहीं रही है। नहीं, कांग्रेस का जो एनपीआर था वो एक्चुअली में वो था, वो भी एनपीआर, लेकिन कांग्रेस ने उसको सिंप्लीफाई करके सेंसस कर दिया था। तो उस टाइम पे जो कांग्रेस का एनपीआर का जो फॉर्मेट था उसमें ना बाप का जन्मतिथि पूछा जा रहा था, ना माँ का पूछा जा रहा था। अगर वही अब भी कर दे तो उस एनपीआर से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी कह रहे समय के अनुसार कुछ बदलाव आने पड़ते हैं, कुछ जोड़ना पड़ता है, भाई समय के अनुसार माँ बाप थोड़े ना बदल देगा। समय को माँ तो माँ ही रहेगी और बाप तो बाप ही रहेगा, तो उसमें बदलाव अगर कर रहे हैं तो उसमें सबकी भलाई होनी चाहिए। भाई भारत है तो भारत में ये एक अनेकताओं में एकता की देश है, तो इसलिए सबका ख्याल रखना चाहिए। मोदी जी खुद कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो सबका विश्वास करें, वो जनता उनसे नाराज थोड़े ना है, भाई उन्हीं की जनता है और उन्हीं पे आस लगाए बैठे हैं। अब मोदी जी खुद ही कह देंगे कि शाहीनबाग सहयोग शाहीनबाग जो है सहयोग नहीं, संयोग नहीं, एक प्रयोग है, तो अब इस तरह की बात, अब लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री ने तो इनको भी मायूस कर दिया है। सर, इस आंदोलन को जैसे पूरा बनाया गया है कि ये मुस्लिमों के खिलाफ है, लेकिन इसमें हिंदू भी सिख भी ईसाई भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, क्या जो बनाना चाहते थे इसको मुसलमानों का आंदोलन, उसमें क्या सफल नहीं हुए लोग? देखिए, ये एक गलत अवधारणा है, ये अवधारणा नहीं होनी चाहिए। मैं अगर हाइपोथेटिकली मान लूँ कि अगर कोई भी आंदोलन है तो उसमें अगर मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा है, तो क्या अगर मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा होगी तो क्या मुगल शासन की वापसी का वो इंडिकेशन हो जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, फिर प्रजातंत्र कहाँ चला जाएगा? जो सूर्या उसने जो पार्लियामेंट में बोला है कल कि शाहीन बाग की अगर न रोका गया तो यहाँ मुगल राज रिवाइव हो जाएगा, मिनी पाकिस्तान बनना है दिल्ली, रिवाइव हो जाएगा और मिनी पाकिस्तान, ये सब तो इल्जाम मुसलमानों पर बहुत पुराने लगते रहे हैं, तो ये सब तो चलता रहता है, ये तो ऑल आउट पॉलिटिक्स है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि एनपीआर हो, एनआरसी हो या सीए हो, ठीक है, जो
डिमांड है लोगों की, उस डिमांड को फुलफिल करने में सरकार अब तक नाकामयाब रही है, और सरकार सिर्फ समझाए हुए को समझा रही है, जो समझ गया है, जो भाई जो अपोज नहीं कर रहा है सरकार उसको समझा रही है। तो यार वो तो वही हो गया, आजमाए को क्या आजमाना और समझाए को क्या समझाना, जो नहीं समझ रहा है उसको सरकार को समझाना चाहिए ना कि भाई ये है, अब उसको सरकार समझा ही नहीं रही है। अगर सर NRC देश भर में लागू नहीं होती है तो फिर CA से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना सर? देखिए NRC एक ये प्रयोग था कांग्रेस का, ठीक है ना, जिसको कैरी किया अब की सरकार जो सत्ता में है, ठीक है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कैरी किया, लेकिन इसमें इतनी तेजी कर दी, तेजी का कारण ये था, अवधारणा ये थी कि लोगों का अजम्पशन था दिमाग में कि आसाम में तो 1.25 करोड़ मुसलमान निकलेगा घुसपैठिया, ये अजम्पशन बना हुआ था, लेकिन वहाँ निकल गए हिंदू नहीं, वहाँ निकले 19 लाख टोटल घुसपैठिए, ज़्यादा संख्या तो हिंदुओं की, ज़्यादा संख्या गरीब हिंदुओं की निकल गई और गरीब मुसलमानों की निकल गई, ठीक है ना, ना हिंदू का कोई, जो गरीब होता है ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, गरीब तो गरीब होता है, ठीक है, वही लाइन पे लगेगा, ठीक है, और उसी को सारे कागज जुटाने हैं, अमीरों का क्या है, वो तो कहीं घर बैठे कागज दे जाएंगे, तहसीलदार साहब आके दे जाएंगे, SDM साहब आके दे जाएंगे, उनको कौन कागज देगा? तो ये तो गरीबों की मार है, अभी देखना है सरकार को कि गरीबों को कैसे राहत पहुंचाते हैं। लेकिन सर सरकार के प्रवक्ता हैं BJP पार्टी के समित पात्रा, उनका कहता है कि घर से बाहर निकल के तो कोई भी रोड पे बैठ सकता है, और पूरा रोड उन्होंने जाम ब्लॉक कर रखा, उस पर कब्जा कर लिया, उन्हें आंदोलन करना तो जंतर मंतर आइए, रामलीला मैदान आइए, फिर देखते हैं कितने दिन आंदोलन करते हैं। भाई अगर ये जंतर मंतर चले जाते तो इनको करंट कहाँ से लगता, करंट भी तो इन्होंने लगाया है ना, इनको करंट कहाँ से लगता अगर ये जंतर मंतर चले जाते तो, ठीक है ना, तो करंट भी आप ही लगा रहे हो, प्रयोगशाला भी आप ही बता रहे हो, सब कुछ तो आप ही बता रहे हो मान्यवर, यहाँ से तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, यहाँ तो कीर्तन भजन और कुरान खानी चल रहा है, हैं? सर UP के CM है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक इतनी भद्दी शब्दों में प्रयोग नहीं कर सकता, कहा कि महिलाओं को रोडों पे छोड़ दिया और मियाँ खुद रिजाई में बैठे, क्या एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए CM को ऐसी भाषा प्रयोग करनी चाहिए? देखिए वो तो देखिए संवैधानिक पद में बैठा हुआ जो हमारे माननीय श्री योगी जी हैं उनके बोलने के कई कारण हैं, अब उन कारणों में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय चाहिए, तो अब एक राजनीति होती है ये सब, ठीक है, कि औरतों को लज्जाजनक कह देना, ठीक है, अब यही वो पार्टी थी जो प्याजी आंसू बहाई थी 3 तलाक के मैटर पे, ठीक है, पूरे प्याज महंगे हो गए इन्हीं के चक्कर में, आंसू बहाने के चक्कर में, उधर हकीकत प्याजी आंसू थे कि उन्होंने बहाए थे 3 तलाक पे, तो अब वो 3 तलाक वाली औरतें इनको नज़र नहीं आ रही हैं। सर लगातार इस आंदोलन में देखा गया है कि संविधान कहीं ना कहीं खतरे में है और देश को तोड़ने की कोशिश करी जा रही है, क्या आप भी इस बात को मानते हैं? देखिए क्योंकि CA तो सर संवैधानिक तरीके से पास हुआ ना सर। देखिए पार्लियामेंट में ऐसा नहीं है कि संसद में किसी चीज को अगर पास कर दिया जाता है तो उसमें कोई त्रुटि ना हो, ऐसा नहीं है, ठीक है, और ऐसा भी एग्जाम्पल देखा गया है कि संसद में पास की हुई चीज को भी वापस लिया गया है, जैसे लैंड एक्विजिशन बिल और साहबानों का केस भी संसद में पास था जिसको राजीव गांधी ने वापस लिया था, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको संसद है, संसद संविधान से सर्वोपरि नहीं है, संविधान ही सर्वोपरि रहेगा, ना मेरा स्टेटमेंट सर्वोपरि रहेगा, किसी का भी स्टेटमेंट सर्वोपरि नहीं है, ये तो अहंकार है कि मैंने पास कर दिया है तो लागू होके रहेगा, तो इसका तो कोई इलाज है ही नहीं। सर आखिरी सवाल जी, कल वोटिंग होने वाली है दिल्ली में, जी क्या इस आंदोलन का असर पड़ेगा कोई चुनाव? मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, ठीक है, मैं नहीं समझता, मेरा ये मानना है अपनी जाति राय है कि जो होना था वो तो हो चुका है, ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, बाकी देखिए, ठीक है, मतपेटियाँ जब खुलेंगी तो पता चल जाएगा कि ये जो तर्कश से जितनी भी तीरें निकली हैं किसको फ़ायदा पहुँचा है किसको नुकसान किया, ये पता चल जाएगा। सर आखिरी और सवाल है कि सर लोगों का जो बुद्धिजीवी उनका कहना है कि रोजी रोटी या शिक्षा या GDP गिर रही है देश की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी सीमा चरम पर है देश की, और एक जो ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स आया है उसमें भी भारत पीछे पिछड़ गया, कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में, इन सब मुद्दों को भटकाने के लिए सरकार ऐसे एजेंडे अपना रही है। पाकिस्तान के रहते इन मुद्दों की जरूरत है,
ही नहीं कुछ भी, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान में, पाकिस्तान के कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है ना। हिंदू मुसलमान पाकिस्तान इन तीन के रहते, इन मुद्दों की क्या जरूरत है, इन मुद्दों की कोई जरूरत नहीं है हिंदुस्तान में, ठीक है, इनकी जरूरत ही नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में इतने सारे धर्म के लोग यहाँ पे आ रहे, क्या उनको अकल नहीं है? आपकी तो डिग्री के भी कंफ्यूजन है, क्या आपने पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। मैं तो समझता हूँ जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं उनकी सोच अच्छी होती है, उनको जानकारी अच्छी होती है, तो सारे सोच वाले लोग बेवकूफ़ हो गए, उनको अकल नहीं है। चलिए ठीक है भाई, आप बात करने लेकर, क्या जब तीन तलाक बिल आता है तो मोदी जी कहते हैं कि मेरी माताओं बहनाओं को प्रताड़ित किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, उनके साथ अत्याचार होते हैं, इसलिए तीन तलाक बिल ला रहे हैं। लेकिन 50 दिन से यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं, मोदी जी यहाँ क्यों नहीं आए? मैं आज अब माता बहना ही नहीं है क्या? देखो मोदी जी ने ये तीन तलाक का लाया है, मैं ठीक है मान लेता हूँ, मैं मानता हूँ तीन तलाक का ठीक नहीं लाए। हमने शादी करी और हमने तलाक दे दी, हमने अपनी बीवी फ्री कर दी कि भाई आप किसी और के साथ निकल के अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। इनके पर इन पर केस है, तलाक देने पर केस है। पर अगर जिस आदमी ने निकाह करा फेरे लिए और अपनी बीवी को छोड़ दिया और उसे फ्री करा कि वो अपनी जिंदगी किसी और के साथ गुजार सके, उस पर क्या केस? तलाक की बात नहीं, जिस टाइम वो बात कर रहे हैं कि मेरी माताएं बहनें आज रोड पे बैठी है ना, 50 दिन से ज्यादा हो गए, क्यों नहीं आ रहे? फिर क्या वो झूठी थी सारी बातें, क्या था वो? सब कोरी झूठी बातें थी, उनके मन में कोई महिला के लिए समझ नहीं थी, क्योंकि बीजेपी के नेता महिलाओं की इज्जत खराब करते हैं, बीजेपी के नेता ही महिलाओं पर कमेंट करते हैं और बीजेपी के नेता मतलब बीजेपी के नेता आप वो ना कौन सा के ये देश के गद्दार गोलमाल सालों को अनुराग ठाकुर, उसने कहा ये मोहब्बत की बात है क्या? मतलब एक दूसरे को लड़ा और उसके अगले दिन दूसरे दिन यहाँ जब गोली चली, मतलब उत्साहित कर रहा वो लोगों को यहाँ जाके गोली मारो गोली चलाओ। क्या किसी नेता का बेटा या किसी मंत्री का बेटा यहाँ के गोली चलाता है? क्या किसी नेता का किसी नेता के बेटा आरएस में जाता है डंडे लेके, या किसी नेता के बेटा कहीं और जाता है? ये गरीब लोगों को उकसाते हैं, गरीब लोगों को कहते हैं अपने बेटे को पढ़ाते हैं, जैसे अमित शाह की बेटी है, कितनी बड़ी पोस्ट मिली, बेटे तो विदेशों में है ना, पढ़ाई पढ़ना है यार, है तो इसी देश के नागरिक, वो यहाँ क्यों नहीं आता, अपने बाप के साथ क्यों नहीं लगता, आरएस में क्यों नहीं जाता, धरना क्यों नहीं देता, अपने बाप की यहाँ के समझाता क्यों नहीं कि भाई तुम हमारे देश की बात सी हो, तुम ऐसा मत करो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, कहाँ है विकास, कहाँ है विश्वास, कहाँ है साथ, कहाँ है, ठीक है। और ये जो बाहर के लोगों को नागरिकता दे रहे हैं, ये जरूरी है कि वो भारत में आके भारत की सोचेंगे? जो 50 साल से 60 साल से पाकिस्तान में रह रहा है, पाकिस्तान की वो उसके खून में पाकिस्तान की मोहब्बत भसी पड़ी है, हिंदुस्तान की दुश्मनी भरी पड़ी है, क्या हुआ कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान को हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। चलिए ठीक।